हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं डिस्कस करूंगी टेस्ट नंबर 31। टेस्ट नंबर 30 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। 31 आ गया है तो मैं वो डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद बाकी टेस्ट डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट का सॉल्व टेस्ट का PDF मैं शेयर कर लूँगी आपके साथ, ताकि आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है USA के बारे में, कि उसने डिसाइड किया है ज्वाइन करने का पेरिस एग्रीमेंट। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 जो है वो सही है, लेकिन ऑप्शन 2 गलत है। क्योंकि ये बात सही है कि जो पार्टीज हैं UNFCCC के, वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पर जो 2 है वो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिस जो कहे कि जो UN जनरल असेंबली के अप्रूवल के बाद ही पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली ज्वाइन किया है पेरिस एग्रीमेंट 2021 में। जैसा आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय यूनाइटेड स्टेट ने छोड़ दिया था पेरिस एग्रीमेंट, और उसके बाद ये वापस इन लोगों ने ज्वाइन किया है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैंने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट में एक्सेशन या ज्वाइन करने के लिए आपको UN जनरल असेंबली का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये स्मार्ट ग्रिड के ऊपर है। स्मार्ट ग्रिड होता क्या है? स्मार्ट ग्रिड ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कि 2-वे कम्युनिकेशन हो सके, यानी कि जो कस्टमर है उसको भी पता हो और जो कंज्यूमर है उसको भी पता हो कि वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है स्मार्ट ग्रिड के ऊपर, कि आपको एडवांटेज बताना है स्मार्ट ग्रिड का। तो जब ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जिससे 2-वे कम्युनिकेशन होगा तो दोनों को फ़ायदा होगा, तो इससे दोनों चीज़ फ़ायदा होगा, मतलब तीनों होगा सही, कि इट विल रिड्यूस द ओवरऑल पीक डिमांड, इट विल लीड टू क्विकर डिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में मेजर ब्लैकआउट को भी ये रोक सकेगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये स्मार्ट ग्रिड के बारे में देखा। और एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि आपका ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अर्थ ओवरशूट डे क्या है। अर्थ ओवरशूट डे जो है ये एक ऐसा दिन है जो कि कैलकुलेट किया गया है ध्यान में रखते हुए हमारी जो कंजम्पशन है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज और सर्विसेज का, उसके ऊपर कि किस दिन साल के हम लोग इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है वो, तो वो उसी दिन को कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। मतलब उस दिन हम लोग जो अर्थ की कैपेसिटी है उससे हम लोगों ने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। और ये इसमें देखिए दोनों गलत है, जो पॉइंट्स हैं 1 और 2 दोनों गलत हैं, क्योंकि ये इनिशिएटिव है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का, और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डे हर साल होता है, ये डिफ़र करता है डिपेंडिंग ऑन कि हम लोगों ने कितना कंज्यूम किया, उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए अलग अलग दिन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि आपको भरतनाट्यम डांस के बारे में बताना है। तो देखिए पहले भरतनाट्यम के बारे में कुछ जान लेते हैं। भरतनाट्यम ऐसा देश है जो डांस है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, इसे दसियत्तम भी कहते हैं। इसमें फायर डांस भी इसका नाम दिया गया है। इसमें तांडव और लास्य जो दो एस्पेक्ट है डांस के, वो दोनों हैं। और बहुत सारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जैसे भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, उसमें इस डांस के बारे में बताया गया है। अभिनय दर्पण जो है नंदी केश्वरा का, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है इसके भरतनाट्यम के लिए। और जो जिस भरतनाट्यम का वो डांस जिसमें कि एक ही इंसान रोल करता है, उसे कहते हैं हम लोग एकहरा, मतलब कि अलग अलग रोल प्ले किया जाता है एक इंसान के द्वारा, उसको कहते हैं एकहरिया। और जो म्यूज़िक एसोसिएटेड है वो मोस्टली कर्नाटक म्यूज़िक है। साथ में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो पहला फर्स्ट डांस आइटम जो होता है इसमें, उसको कहते हैं अलारिप्पू, मतलब कि एडॉर्न विद फ्लावर्स। ठीक है, और जब एंड होता है इस डांस का, भरतनाट्यम डांस का, तो उसे कहते हैं तिलाना। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो भरतनाट्यम जो है
एक क्लासिकल डांस है जो कि जैसा मैंने बताया दस्यतम भी कहा जाता है, इसलिए पहला सही है। दूसरा भी सही है कि इट एनकंपासेस लास्य, मैंने कहा जैसे कि इसमें तांडव और लास्य दोनों होता है। तीसरा कि डांस फॉर्म जो है ये करेक्टराइज्ड बाय डांस, मतलब कि एक हरा जो मैंने कहा वो होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, इसलिए तीनों सही है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि यह है कमिटी ऑफ प्रिविलेज के बारे में। तो कमिटी ऑफ प्रिविलेज देखिए पार्लियामेंट में बनती है, ये सब सेमी जुडिशियल नेचर की होती है और साथ में ये एग्जामिन करती है जो भी ब्रीचेज होते हैं प्रिविलेजेस के दोनों हाउसेस में। और ध्यान में ये भी रखना होगा आपको कि दोनों जो हाउस है उनके जो कमिटी ऑफ प्रिविलेज है वो अलग अलग है, यानी कि लोकसभा के 15 होंगे और राज्यसभा के 10 होंगे। और ये जो मेंबर्स हैं ये नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, तो आपके चेयरमैन और स्पीकर के द्वारा। और इस कमिटी के पास पावर होता है कि वो एविडेंस के बेसिस पे कॉल ले सके। तो इस तरह से हम लोगों ने कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में जाना, ठीक है। और तो देखते हैं ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये सेमी जुडिशियल इन नेचर होती है, ये बात सही है, जो कि एग्जामिन करती है केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस एज वेल एज इट्स मेंबर, जैसा मैंने कहा सही है। दूसरा गलत है क्योंकि दोनों हाउस का जो कमेटी है वो अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों हाउस की कमेटी एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जो कि है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या होता है, ये एक ऐसा बास्केट होता है सिक्योरिटीज़ का जो कि ट्रेड किया जाता है ऑन एक्सचेंजेस, ठीक है। तो उसी को कहते हैं, मतलब कि बहुत सारे सिक्योरिटीज़ मिला के ये बनता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। और ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो दोनों का होता है, यानी कि शेयर्स का भी है और म्यूचुअल फंड्स का भी है। जैसे भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, तो इसमें आपका आता है डेप्ट, जिसमें आपके जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, और मतलब कि ये बहुत सारे अलग अलग कंपनीज पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं उनके शेयर्स को मिला के बना है ये भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ये इंडिया का पहला बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब भारत बॉन्ड के बारे में बता रही हूँ कि ये पहला फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। तो देखिए दोनों ऑप्शन सही है, जैसा मैंने कहा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो है बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज। दूसरा भी सही है क्योंकि भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो इंडिया का फर्स्ट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो 7 पहले समझ लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ब्रास जो है, ब्रास होता क्या है, ये है अलॉय किसका, तो कॉपर और जिंक का, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर से, और जिसमें 12 से 12.5% तक टिन भी होता है, ठीक है। तो सोल्डर एक ऐसा मेटल अलॉय है जो कि टिन और लीड से बनता है, ठीक है। और फिर आपका जर्मन सिल्वर हो गया, ये हुआ आपका अलॉय कॉपर जिंक और निकल का, इसमें कुछ कभी कभी लीड और टीन भी होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। ब्रास बनता है आपका कॉपर और जिंक से, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर एंड टीन से, सोल्डर बनता है लीड एंड टीन से, जर्मन सिल्वर बनता है आपका कॉपर जिंक और निकल से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजामंडल के बारे में। तो ये प्रजामंडल पहले होता गया था, ये 1920s में पॉपुलर हुआ जब मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे भी जब पॉपुलर मूवमेंट आना आरंभ हुआ तो उसे प्रजामंडल कहा गया। ये देखा गया कहाँ कहाँ, तो आपके कुछ कुछ स्टेट्स जैसे मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, बड़ौदा, काठियावाड़, इन सब जगह हम लोगों ने देखा प्रजामंडल। और ये जो प्रजामंडल थे इन लोगों ने एफिलिएशन लिया किसका, तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। और ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस है ये बनी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। जो लोग थे प्रजामंडल में उन्होंने लड़ाई की अगेंस्ट फ्यूडल प्रिंसेस भी और साथ में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दो फ्रंट वार इन लोगों ने लड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रजामंडल के बारे में समझा, ठीक है। तो
पे ऑप्शन देखते हैं जो, तो जैसे मैंने कहा प्रजामंडल के बारे में सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ये फ्यूडल प्रिंसेस को भी फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 8C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। तो ये होता क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। ये बनी थी 6 जून 2007 पे, कैसे तो अमेंड करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और सेक्शन 38Z जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये एक ऐसा ऐसी बॉडी है जो इंटेलिजेंस भी गैदर करती है, कोऑर्डिनेट करती है अलग अलग एजेंसी में से, असिस्ट करती है फॉरेन अथॉरिटीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट करती है साइंटिफिक और प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी करती है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनी थी, और इस तरह से इसका अलग अलग काम है। ये इम्प्लीमेंट भी करती है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, और साथ में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हो रहे हैं, तो ये इस तरह से ये मल्टी टास्किंग बॉडी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो कि कॉम्बैट करता है टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। दूसरा भी सही है कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबल है ये फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नेपट्यून डिक्लेरेशन ये क्या है। तो देखिए नेपट्यून डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया है 750 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि बेसिकली एक्शन बताता है जो कि सी फेरर्स, मतलब कि जो सीज में जाता है ओशन में जाता है उनके वेलबींग के लिए इस कोविड के टाइम पे। तो ये हुआ आपका नेपट्यून डिक्लेरेशन। तो जैसे मैंने कहा नेपट्यून डिक्लेरेशन हुआ आपका वेलबींग ऑफ सी फेरर्स, मतलब कोविड के समय कैसे इन्हें और सही से रखा जाए उनका गाइडलाइंस आउटलाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट ह्यूमन इनिशिएटिव है ये क्या है। देखिए ह्यूमन इनिशिएटिव जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया गया है ताकि सेफ मदरहुड एश्योरेंस मिल सके। ठीक है, ये तो मतलब कि मातृत्व के लिए है। इसका फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन और सेफ मदरहुड एश्योरेंस। ठीक है, इसमें सेफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर ये सब दिया जाता है। इसका एम है कि सारे जो हेल्थ केयर है वुमेन को जो माँ बनने वाली है उसको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से सुमन इनिशिएटिव के बारे में आपने जान लिया। इसका देखिए सही आंसर होगा ए, जो कि है एंड ऑल प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूनेटल डेथ्स। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, हाउसिंग फिनांस कंपनी लिमिटेड, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो RBI जो है उसने ले लिया है पावर टू रेगुलेट HFC, मतलब कि पहले किसी और के द्वारा किया जा रहा था लेकिन अब RBI के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। हाउसिंग फिनांस कंपनी जो है एक नॉन बैंकिंग फिनांशियल कंपनी है जिसका जो फिनांशियल एसेट्स है वो होता है कि इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फिनांस फॉर हाउसिंग कंस्टिट्यूट्स एटलीस्ट 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। मतलब कि हाउसिंग फिनांस कंपनी ऐसी NBFC है जिसका जो फिनांशियल एसेट्स है वो मतलब जो टोटल उसका फिनांस का पूरा पोर्टफोलियो है उसमें से 60% हाउसिंग की तरफ जाता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि हाउसिंग फिनांस कंपनी पे देखिए पहला दोनों दूसरा दोनों गलत है क्योंकि पहला जैसा मैंने कहा HFC अब RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती है और दूसरा कि जो हाउसिंग फिनांस कंपनी है उसमें 60% होना चाहिए टोटल एसेट फॉर हाउसिंग फिनांस, ना कि 90%। तो इस तरह से दोनों गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट के बारे में। तो पहले समझते हैं ये क्या है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया जो है इस ट्रस्ट का सिग्नेटरी बन गया है ओसाका डिक्लेरेशन में। मतलब कि जो ओसाका डिक्लेरेशन था उसमें इंडिया एक सिग्नेटरी बन गया है ऑन डिजिटल इकोनॉमी, जिसमें कि आपका ये पार्ट है, मतलब कि जो डिजिटल इकोनॉमी
पार्ट है ओसाका डिक्लेरेशन का, ठीक है, उसी में आपका आता है ये डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। तो ये होता क्या है, इसमें क्या है कि ये बेसिकली एलिमिनेट करना चाह रहा है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो भी रिस्ट्रिक्शन है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, चाहे वो ईमेल हो या इलेक्ट्रिक, जो भी मीन्स यूज़ करके, उसको कहा गया है डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। मतलब कि आप ट्रस्ट इंक्रीज़ करते हैं डाटा के फ्री फ्लो में, उसमें कोई बैरियर नहीं लगाते, ठीक है। तो नीड क्या है, नीड क्यों इसलिए है, क्योंकि एक जरूरी है एक फ्रेमवर्क बनाना जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर डाटा कन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम हो सके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और साथ में जो एक ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्शन है बहुत सारे डिजिटल जायंट्स के द्वारा, जो इतने बड़े बड़े कंपनीज बन गए हैं ऑनलाइन, तो उनके द्वारा, तो उसको रोकने के लिए। तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो टू सही है वन गलत है। टू इसलिए सही है क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया ने बेसिकली रिफ्यूज़ कर दिया है जो ओसाका डिक्लेरेशन, जैसा मैंने बताया उसमें इंडिया के ऊपर प्रेशर था, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया है इसको साइन करने को। तो इसलिए टू सही है, इंडिया ने मना कर दिया है। और पहला इसलिए गलत है क्योंकि G20 में हुआ था, ना कि आसियान में, ये G20 का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो एक करेक्शन मैं कर दूं कि इंडिया ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया है साइन करने को। तो आपका 13 का ऑप्शन वन तो सही है, टू वन गलत है, टू सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बराक रिवर पे। तो बराक रिवर जो है, पहले तो ये जानते हैं कि ये कहाँ बहती है। ये बेसिकली ऐसी नदी है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बिलोंग करती है। ये ओरिजिनेट होती है आपके मणिपुर हिल से, फिर नागालैंड मणिपुर होते हुए, असम होते हुए वो बांग्लादेश की तरफ एंटर करती है। बांग्लादेश में जब वो एंटर करती है तब उसमें सुरमा और खुसियारा भी ज्वाइन करते हैं। ब्रह्मपुत्र, मतलब कि जो बांग्लादेश में इसका नाम है वो है मेघना, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से कंबाइन हो जाती है इन बांग्लादेश, इंडिया में नहीं होती है वो बांग्लादेश में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें ऑप्शन होगा, देखिए वन सही है, टू थ्री गलत है, क्योंकि ये जो ओरिजिनेट करती है मणिपुर हिल्स में ये सही है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये गलत है, और इट पासिस थ्रू केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये गलत है क्योंकि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क से आपका मणिपुर रिवर जाता है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र की नहीं है ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा वो मेघना कहलाती है बांग्लादेश में, ये तब होता है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र कंबाइन हो जाती है, और उसके बाद ये मेघना, मतलब कि जो दोनों रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये उसमें बराक में जाके मिल जाती है। तो बराक उनकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, जो मेन ट्रिब्यूटरी है बराक की वो है जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगाई, सोनाई, कटकल, और ये रिवर जो है वो फ्लो करती है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम के थ्रू, और जो सिक्स्थ नेशनल वाटरवे स्ट्रेच है वो इसी रिवर पर है। अगर हम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने कहा वो मणिपुर रिवर उससे क्रॉस करती है, वो केबुल लामजाओ पार्क जो एक फ्लोटिंग पार्क है, और इसमें बहुत सारे डिकम्पोज प्लांट्स और मटेरियल्स मिलते हैं जिसे हम फुमडीज कहते हैं। यहाँ पे जो एक डियर जो फेमस है वो है ब्राउन एंटलर्ड डियर। तो इस तरह से हम लोगों ने केबुल लामजाओ पार्क के बारे में भी जान लिया। अब मणिपुर रिवर के बारे में अगर बोलूँ तो वो इसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी तुइता और इम्फाल रिवर, ठीक है, और ये फ्लो करती है म्यांमार की तरफ, जहाँ पर वो मीथा रिवर से मर्ज कर जाती है, और ये भी बराक की ट्रिब्यूटरी नहीं है, मणिपुर रिवर बराक की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका RTI एक्ट के ऊपर। तो जो पहले RTI समझते हैं, तो RTI जो है वो इनेक्ट हुआ था 2005 में ताकि सिटीजन को प्रमोट एम्पावर कर सके और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी ला सके। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है
वो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखता है जो कि इन्वॉल्व करता है आपका स्टेट अफेयर, डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन जो सेक्शन 22 है आरटीआई एक्ट का, वो है जो ओएसए मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को प्राइमेसी देता है। मतलब कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ज़्यादा ऊपर है आरटीआई के, वो ऐसा नहीं है। आरटीआई खुद में बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से भी ऊपर रखा गया है। इसलिए जो सेक्शन 22 है वो बात करता है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हो, ठीक है, तो आपको उस समय आरटीआई एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सेक्शन 8 और 9 है आरटीआई एक्ट का, उसमें प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर सकती है इन्फॉर्मेशन इफ़ तक अगर वो गवर्नमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट क्वालिफाई कर दे, क्लासिफाई, तो फिर आप नहीं ले सकते उसका इन्फॉर्मेशन थ्रू आरटीआई। ठीक है, इसीलिए आरटीआई एक्ट के बारे में आपने देखा। अब बाकी जो सेक्शन 8 है आरटीआई एक्ट का, वो बहुत सारे एग्जेम्पशन देता है फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। तो वो क्या क्या ग्राउंड्स हैं? पहला है कि आप सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा कि अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल ने किया है, फिर तीसरा कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि इंडेंजर कर सकता है फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, फिर चौथा कि जिससे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, पांचवा कि कैबिनेट पेपर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सेक्रेटरी या ऐसे ऑफिस से हो। तो इस तरह से आपने देखा आरटीआई एक्ट के बारे में। तो देखिए, अब क्वेश्चन जो है वो है कि मतलब ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट 1923 हैज़ कम्प्लीट, ऐसा नहीं है। ठीक है, आरटीआई एक्ट को ज़्यादा पावर मिला गया है, हालांकि गवर्नमेंट हम लोग को रिफ्यूज़ कर देती है कई सारे इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 के अंदर। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर गवर्नमेंट को बहुत सारे एग्जम्पशन मिले हुए हैं। दूसरा सही है कि आरटीआई एक्ट जो है वो अलाउ करता है एग्जम्पशन टू इन्फॉर्मेशन दैट इज़ फॉरबिडन, जैसा मैंने कहा। तो 2 सही है और 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है पोलर वॉर्टेक्स के बारे में। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा गया, बल्कि दोनों हेमिस्फीयर में देखा गया, ठीक है, दोनों पोल्स में। इसलिए 1 जो है आपका गलत है और 2 सही है कि इट इज़ फॉर्म्ड मेनली इन विंटर एंड गेट्स वीकर इन समर। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं पोलर वॉर्टेक्स के बारे में। तो देखिए, पोलर वॉर्टेक्स जो है, जो वॉर्टेक्स टर्म है वो रिफर्स टू द काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर दैट गिव्स द कोल्डेस्ट एयर नियर द पोल्स। जो पोलर वॉर्टेक्स है ये एक लार्ज एरिया है जहाँ पर लो प्रेशर है और कोल्ड एयर हर तरफ से उसे सराउंड किया हुआ है। ये हर दोनों पोल्स में देखा गया है, हालांकि ये मोस्टली देखा गया है नियर द पोल्स, मतलब कि पोल्स के अंदर पास ही ये फेनोमेना देखा गया है। ये जो है मतलब कि समर के समय तो हल्का पड़ जाता है, लेकिन विंटर के समय बहुत स्ट्रांग रहता है। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद जेट स्ट्रीम मैनी टाइम ड्यूरिंग विंटर डिस्टर्बेंसेज इन द जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा पोलर वॉर्टेक्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नुआखारी जुहार। नुआखारी जुहार होता क्या है? नुआखारी जुहार जो है ओडिशा का फेस्टिवल है, जो जिसमें कि जो कम्युनिटी है वो नए क्रॉप को वेलकम करती है। ठीक है, इसको नुआखाई बेट घाट भी कहा जाता है। नुआखानी खाई जो है दो वर्ड से बना है, नुआ मीन्स न्यू और खाई मीन्स ईट, तो इससे आप समझ सकते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस है कि ईटिंग ऑफ न्यू राइस। ठीक है, तो आप नुआखारी जुहार के बारे में जो ये क्वेश्चन है कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फेस्टिवल, तो इसका आपका आंसर होगा सी, विच इज़ न्यू क्रॉपिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की कौन सा एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कि अपग्रेड कर दिया गया टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आपका आंसर तो होगा ए, मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए जो मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तमिलनाडु में है और ये बनाई गई है टू क्रिएट द टाइगर रिजर्व। मतलब कि जो सिविली पुथूर गिजल जायंट स्क्विरल सेंचुरी है तमिलनाडु में, और
दूसरा मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों तमिलनाडु में है। इन दोनों को कॉम्बाइन करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जो टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। और कौन सा एक्ट यूज़ होता है, वो यूज़ होता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट एक्ट 2006 है उसके थ्रू। ठीक है, अगर किसी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना होता है प्रपोजल पहले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ। ठीक है, और जो कोई बाउंड्री का अल्टरेशन नहीं किया, मतलब जा सकता टाइगर कंजर्वेशन, मतलब जो भी ऐसे एरिया है टाइगर रिजर्व है, मतलब कि हर अगर आप किसी भी तरह का बाउंड्री चेंज करना चाहते हैं तो आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। ठीक है, उसी तरह से आपने समझ लिया कि नेशनल मतलब कि टाइगर रिजर्व कैसे डिक्लेयर होता है, और साथ में कि टाइगर रिजर्व कौन सी बॉडी डिक्लेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B का। तो देखिए, पहले समझते हैं, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स बना जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं थे, उनको ऐड किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और इसमें दो प्रोविज़न है, एक तो 323A और दूसरा 323B। 323A जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि सर्विस मैटर के लिए, और 323B डील करता है विद ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझते हैं। जो 323A है वो कंटेम्पलेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर ओनली, जबकि जो 323B है वो बात करता है आपका कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर सर्टन अदर मैटर्स, मतलब बाकी मैटर्स के लिए। ठीक है, जो 323 है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, जबकि 323B जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकता है। 323A में एक ही ट्रिब्यूनल हो सकता है फॉर द सेंटर, एंड हर एक स्टेट के लिए एक एक या दो टू और मोर स्टेट। ठीक है, और कोई हायरार्की का बात नहीं है, जबकि आर्टिकल 323B में हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स किया जा सकता है, मतलब हायरार्की देखा किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका, देखिए 323A जो है ये इस दोनों गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। पहले क्योंकि 323A जो है वो सिर्फ डील करता है पब्लिक सर्विस के लिए जैसा मैंने कहा, और 323B बाकी मैटर के लिए, इसलिए ये गलत है। दूसरा कि 323A सेंटर क्रिएट करता है, 323B स्टेट प्लस सेंटर दोनों क्रिएट करता है। ठीक है, और साथ में ये जो जो पहले ऑप्शन में है कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये इस प्रोविज़न में नहीं है, 323 में नहीं है, बल्कि अलग है आर्टिकल 262 के अंदर ये दिया गया है कि आप कोई मतलब जो पार्लियामेंट है वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकती है, आर्टिकल 262 में लिखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20